स्टूडेंट, उसके बाद आपका एग्जाम्पल सिक्स। एग्जाम्पल सिक्स की स्टेटमेंट देखो क्या है आपके पास। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए विद ए गिवन वेलोसिटी यू। आपको क्या दे रखा है कि आपने एक पॉइंट लिया ए, इस ए पॉइंट से आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, किसी एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट मतलब एक बॉडी को फेंका, जैसे आपने यहाँ पे खड़ा होके और किसी बॉडी को क्या किया, ऊपर की तरफ इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। शो दैट द डायरेक्शन इन विच अनदर बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी वी फ्रॉम ए पॉइंट इन द होरिजेंटल लाइन विद ए सो एज टू स्ट्राइक द फर्स्ट बॉडी इज दिस। क्या है आपकी प्रॉब्लम, देखो आपने यहाँ पे खड़ा होके एक बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ठीक है। सिमिलरली आपने होरिजेंटल इस लाइन में जाके इसी पॉइंट के ऊपर जब इस बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, यहाँ से भी एक बॉडी को क्या किया, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया कि, तो आपको ये बताना है कि आपको कितने एंगल से इस बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे कि ये आपका इस बॉडी के ऊपर क्या करे, स्ट्राइक करे। कि एक बॉडी तो आपकी यहाँ से ऊपर जाएगी, दूसरी बॉडी को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे तो ये दोनों की दोनों क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। तो आपको ये शो करना है कि जिस एंगल से आप प्रोजेक्ट करते हो कि ये आपकी स्ट्राइक करें, वो एंगल कितना आएगा आपका, ये आएगा, आपको ये शो करना है, ठीक है। तो आपने क्या मान लिया, एक पॉइंट ए मान लिया जहां से बॉडी को क्या किया, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। यहां से एक बॉडी को क्या किया आपने, दूसरी वाली बॉडी को प्रोजेक्ट किया, और वो एंगल क्या मान लिया आपने, अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट कर लिया मान लिया आपने। आपने क्या किया फिर कि आपने मान लिया कि जो आपका ये पार्टिकल है, जो ये दूसरी बॉडी है आपकी, वो यहाँ पे जाके कहीं पी पॉइंट के ऊपर इस वाली बॉडी से क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। मीन्स पी पॉइंट के ऊपर आपकी दोनों की दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, आपस में स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। तो आपको ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। कैसे बताओगे, देखो आपने ये जो पॉइंट पी मान रखा है उसकी हाइट मान ली एस, कि जो आपका ये पॉइंट है आपका वो एस हाइट के ऊपर है, कि इतनी हाइट के ऊपर आपकी दोनों बॉडी आपस में क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इस पॉइंट के लिए आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस क्या होता है आपका, ये डिस्टेंस वर्टिकल वाला, तो एस तो रखा एज इट इज। यू क्या है आपके पास, वेलोसिटी, किस बॉडी के लिए, जो आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट किया उसके लिए यू दे रखे, तो यू को रखो एज इट इज। टी टाइम है आपका, किसी भी टाइम के ऊपर आपके जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, पी पॉइंट के ऊपर। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आपका, जी, और वो हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, जी में, नीचे की डायरेक्शन में लगता है। लेकिन जब आप बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करोगे तो जी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। एक इक्वेशन आपके पास आई, ये किसकी वजह से आई, उस बॉडी के लिए जो आपने ए से क्या किया, प्रोजेक्ट किया। अब देखो दूसरी बॉडी को कहाँ से प्रोजेक्ट किया है, बी पॉइंट से। बी पॉइंट से जब प्रोजेक्ट किया तो जब आपकी बॉडी पी पॉइंट के ऊपर होगी तो इसके लिए हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी। वाई की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, जहाँ पे यू क्या था, जिस वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया वो, वाई क्या था आपके पास, जो ये वर्टिकल वाला डिस्टेंस है वो, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टी क्या है, टाइम। सबकी वैल्यू आपके पास है, जो जो है उसकी पुट कर दो। वाई कितना है इस केस में आपका, एस, तो एस इज इक्वल टू यू कितना दे रखा है इसका, वी दे रखा है, तो वी साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब देखो एक इक्वेशन तो क्या बोलती है, एस इज इक्वल टू दिस, दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है, एस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये दोनों चीजें आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी, कर दो पुट, इक्वल कितना आ जाएगा, वी साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, दिस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी से आपका टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, यू बाय वी, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स यू बाय वी। अल्फा क्या था आपके पास, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो जब हम इस बॉडी को इस एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो आपकी इस पॉइंट जो दूसरी आपकी बॉडी है उस बॉडी से क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी पी पॉइंट के ऊपर। यही आपको क्या करना था, शो करना था।